हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं साहिल खंडेलवाल आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं आरआरबी एएलपी 2018 29 अगस्त में जो शिफ्ट सेकंड का एनालिसिस और रिव्यू है वो सब, और जो क्वेश्चंस आए गए हैं आज के दिन में वो भी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, सब लोग जुड़ जाइए और अच्छे से हर चीज को समझने की कोशिश करना, क्योंकि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं कुछ भी ऐसा चेंजेस, मेजर चेंजेस नहीं देखने को मिला है जो ऐसा लगे कि पेपर का लेवल हाई हो गया है, ऐसा लग रहा हो कि भाई हमारी तरफ रेलवे बहुत स्ट्रिक्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ओवरऑल जो पेपर का लेवल है एज कंपेरेटिव टू, मतलब जो पहले पेपर हुए हैं उनके समान ही रहा है, ये कहने का मतलब है मेरा। क्लियर है? आप सब लोग आ चुके हैं, सब लोगों का स्वागत है। मैं करना चाहूंगा इसके साथ साथ टॉपिक्स, मेजर टॉपिक क्या है वो आप सबको पता है। मेजर टॉपिक क्या है, आपको टाइम एंड वर्क पे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि लगातार इसके 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे प्यारे भाइयों, है ना। मैं आपको शाम को इनके सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा टाइम एंड वर्क की इफिशियंसी पे बेस्ड। शाम को आएगा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का वीडियो, उसको देखना ना भूलना। क्लियर है? चलिएगा, है ना। तो आपके सामने ये चीजें याद रखनी है। मेंसुरेशन के क्वेश्चंस आ रहे हैं, मेंसुरेशन मतलब क्षेत्रफल निकालना, बहुत सिंपल क्वेश्चन आया है, वेरी इजी क्वेश्चन आया है, आपको देखने को मिला है मेंसुरेशन का, ठीक है। इसके साथ के साथ आपको क्या देखने को मिला है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखने को मिला है, जिसको हमने पढ़ा है बहुत अच्छे से। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखने को मिल गया, एक सिंपल इक्वेशन का क्वेश्चन देखने को मिला है, सिंपल इक्वेशन के क्वेश्चन देखने को मिला है आपको। इसके साथ साथ परसेंटेज पे क्वेश्चन देखने को मिला है, ठीक है। प्रॉफिट लॉस, तो मतलब ज्यादा कोई मेजर डिफरेंस हमारे सामने देखने को नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है जो अलग आ गया हो। सबसे बड़ी बात, पाई चार्ट, मैं अभी आपसे पाई चार्ट डिस्कस करूंगा, टेंशन मत लो, पाई चार्ट हम सीखेंगे भी और शाम को एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में भी करेंगे, टेंशन मत लो बस, ठीक है। पाई चार्ट के 2 क्वेश्चन आपके आए हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीज है, क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आपके सामने। हाँ क्यों भाई, प्रकाश कह रहे हैं आपको देखे बरसों हो गया, मैं तो डेली क्लास ले रहा हूं, कल ही क्लास हुई है, तो आप डेली नहीं आ रहे हो, इसका मतलब पकड़ी गई चोरी। चलिए, है ना, चलते हैं, अब क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन वो पूछा गया है जो क्लास में कराया है, विश्वास नहीं होता तो परसेंटेज की वीडियो उठा के देख लेना, ठीक है। चलिए, परसेंटेज का क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया है। देखो क्या कहा गया था, कि किसी भी वस्तु के प्राइस में 30% की वृद्धि करने पर, कि वस्तु के मूल्य में 30% की वृद्धि करने पर उसकी खपत में, कंजम्पशन में कितनी कमी की जाए। आपकी जो कंजम्पशन खपत होती है, कंजम्पशन में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, जिससे कि आपका एक्सपेंडिचर, जो आपका खर्चा है वो कांस्टेंट रहे, चेंज ना हो, ठीक है, आपका खर्चा कांस्टेंट रहे। चलिए गाइस, जल्दी से आंसर दें। चलिए, तो आपको कैसे करना था, ये मैंने क्या बोला, 30%। अब 30% को कैसे लिखोगे मेरे प्यारे भाइयों, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। तो आपने लिख दिया भाई इसको सर 3/10 में लिख दूंगा, ठीक है। मैंने भी आपसे कहा कि बिल्कुल सही लिखा है आपने, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, कि वृद्धि हो रही है ना, वृद्धि हो रही है मतलब 10 में 3 बढ़ गया, तो आप कह दोगे कि सर ये 13/10 हो जाएगा, ठीक है, 13/10 हो जाएगा। यहां पे आपको क्या ध्यान देना है, कि कितने की कमी की जाए खपत में, खपत में कितनी कमी की जाए। तो हमेशा पहले देखो इन दोनों का अंतर कितना है, 3 का है, तो 3 ऊपर और ये जो ऊपर वाला है वो नीचे लगा दो, गुणा 100 कर दो, यही आपका आंसर है, कि इतने परसेंट की आपकी कमी की जाएगी तब आपकी प्राइस में 30% की वृद्धि होगी और खर्चा कॉन्स्टेंट रहेगा, ये आपका आंसर आ जाएगा 300/13%। क्लियर हो गया, बहुत ही सिंपल चीज था, ठीक है ना, कर सकते हो ना ऐसे क्वेश्चन, बहुत आसानी से आप कर सकते हो। क्लियर है? चलेगा, अच्छा लग रहा है, लाइक करते रहे, मुस्कुराते रहे। अब अगला क्वेश्चन क्या आया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे क्वेश्चन आया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति। क्या बोला गया है, 2 पॉइंट है, कोई 2 और 3 पॉइंट ए है, कोई बी पॉइंट है 5 और 6, ठीक है। इसको M1 अनुपात M2 में अंतर विभाजित किया जाता है, उस बिंदु के निर्देशांक बताओ 3:1 में अंतर विभाजित किया जाता है, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ जिससे ये विभाजित होंगे, X और Y।
ये आपका क्या किया गया है, इंटरनल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन, अंत विभाजन। अब मैं आपको तरीका बताता हूँ याद करने का, जिंदगी भर नहीं भूलोगे चाहे आपको अब याद हो या ना हो। तरीका सुन लो, बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट हैं, कल को आपके पेपर में आ जाएगा ऐसा क्वेश्चन, तो आप कैसे करोगे ये मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। देखो, किन्हीं भी दो पॉइंट को M1 M2 तीन अनुपात एक में विभाजित करती है, तो वो पॉइंट क्या होंगे जो करेंगे, ये प्रश्न है। तो आपसे बोला कि आपको x कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है, बराबर क्या बोला गया है, इंटरनल डिवीजन है। तो यहाँ पे आती है M1 की बात, M1 ने कहा कि मैं तो M1 हूँ, मतलब तीन है, लेकिन ये आपका क्या हो जाएगा, ये x1 y1 होता है, ये x2 y2 होता है, ये आपको पता होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो M1 कभी भी आपका जो M1 है ना, ये M1 कभी भी आपका X1 के साथ नहीं जाएगा। आपने कहावत तो सुनी होगी कि घर की मुर्गी दाल बराबर, तो ये कहेगा कि यार मेरे पास तो 1 है, मैं इसी परिवार का हूँ, मुझे तो दूसरी जगह घूमने जाना है। तो ये मतलब दिमाग में एक थीम बना सकते हो जिससे जिंदगी भर याद रहे, ठीक है, यही मैं आपको तरीका सिखाना चाहता हूँ। तो M1, M1 कितना है आपका, 3 है, इसका किससे गुणा करोगे, X2 से, मतलब 5, प्लस अंतः विभाजन है तो प्लस आएगा, M2 कितना है 1, X2 कितना है 2, बटे M1 प्लस M2 मतलब 4, तो 5 या 15 और 2 17 बटे 4 आपका इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे ये वाले, तो 17 बटे 4 तो यहां से आ गए। अब आपको क्या निकालना है, Y निकालना है, तो Y में क्या लोगे, M1 लोगे और Y2 लोगे, तो M1 कितना है 3, Y2 कितना है आपका 6 या 18, और 3 एकम 3 तो 21 बटे 4 आपका आ जाएगा वाई, क्लियर है, 17 बटे 4 और 21 बटे 4, ठीक है। हाँ, चीजें समझ में आ रही हैं, सब चीज क्लियर हो रही है, आई थिंक आप समझ पा रहे हो, है ना, चलिएगा, अच्छा लग रहा है। तो चीजें देखो बहुत अच्छी हैं, मैं आपको शाम को क्वेश्चन भी कराने वाला हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है मेरे पास आए हैं, मैं करवा रहा हूं। दो टेबल और 3 चेयर आप 3500 रुपए में खरीद के लाए, 3 टेबल 2 चेयर आप 4000 रुपए में खरीद के लाए, तो एक टेबल को कितने में खरीद के लाए, ये आपको बताना है। जल्दी से आंसर दें। दो टेबल 3 चेयर, फिर मैं एक दो क्वेश्चन पाई चार्ट के डिस्कस करूंगा, फिर यहां से तो हमारा ये बराबर है। कैसे करोगे, मैंने तरीका आपको बताया है, देखो कितना आसान तरीका है, इक्वेशन सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है, ठीक है। दो का दो से गुणा करो 4, 3 का 3 से गुणा करो 9, 4 में से 9 गए तो माइनस का 5, यहां पर टी पहले दे रखा है तो टी यहां आ जाएगा बराबर। 35 दुनी मतलब 7000, 3500 इंटू 2 7000, 7000 माइनस 12000, तो मैं ये कह दूंगा माइनस के 5000, तो माइनस से माइनस चला गया, टी बराबर आपके आ गया 1000 रुपया, टेबल का मूल्य कितना आ जाएगा 1000 रुपया। तो ये ट्रिक है, ये फंडा है, अगर आप क्लासेस में देखते हैं बिल्कुल आसानी से कर पाओगे, क्योंकि क्लास में ऐसे क्वेश्चंस से थोड़ा अच्छा लेवल रखा जाता है। कंटिन्यू आपको पता है, अगर जो ले रहे हैं उनको सब कुछ पता है, क्लियर है ना। चलिए अब पाई चार्ट देख लेते हैं कि पाई चार्ट के क्वेश्चन क्या है। ये आपका पाई चार्ट आया था इस प्रकार, ठीक है, और डेटा तो देखो मेमोरी बेस्ड है ना, लेकिन आया इस प्रकार था, आपको आंसर देना है, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं, आपसे बोला गया है ए 10%, बी आपका है 20%, सी आपका है 40%, ठीक है, और ये आपका 15%, और ये आपका 15%। मैं बोल देता हूं ये ए बी सी डी और ई, ये आपको बोला गया है। आपसे कहा गया कि किसी भी कंपनी में आपके 24000 रुपए इन्वेस्ट किए गए हैं, 24000 रुपए लगाए गए हैं टोटल कंपनी में, मतलब ये ए बी सी डी क्या है, ये काम करने वाले लोग हैं इस कंपनी में, 24000 रुपए लगाए गए हैं, ठीक है। चलिए अब मैंने आपसे पूछा है कि बी का ए से कितना अधिक पैसा लगा है, ठीक है, अधिक पैसा लगा है, मतलब ये अलग अलग आदमी है, इन्होंने कंपनी में पैसा लगाया है, टोटल 24000 लगे हैं, तो बी का ए से कितना अधिक लगा है, जल्दी से मुझे कोई आंसर देगा बी का ए से कितना अधिक लगा है, ये पूछा है मैंने और कुछ भी नहीं पूछा, ठीक है।
कम ऑन, तो मैं देख रहा हूं कि ये 10% से 20% भाई बी का 20% है, इसका 10% है, तो दोनों का अंतर कितना है 10%, तो इसका 10% कितना हो जाएगा 2400 रुपया अधिक लगा है, डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हो 2400 रुपया। अब मेरा प्रश्न आपसे ये आ गया था, बी द्वारा सी द्वारा डी द्वारा लगाए गए रुपयों का एवरेज ज्ञात करो, औसत ज्ञात करो। चलो गाइस जल्दी से करो, फिर भुवनेश सर आपसे करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर अच्छा लग रहा है लाइक करते रहना, क्योंकि बहुत अच्छी चीजें हैं और आपको शाम को ऐसे क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं, बेफिक्र रहे। मैंने क्या बोला है, बी सी डी का आपको एवरेज निकालना है, औसत निकालना है पैसे लगाए गए का। तो मैंने देखा बी में कितना है 20, सी में कितना है 40 और 15, तो 65, 60 और 10 आपका हो जाएगा 70 और 75, 75% उसका। तो मैं ये कह सकता हूं 24 × 3/4 × 3, यहां से आपने निकाल लिया 6000 रुपया, कितना आंसर आ जाएगा 6000। डायरेक्ट आप कैलकुलेशन कर सकते थे, कोई इशू नहीं है। 6000 कैसे आया, समझ में आया नहीं आया, देखो इन सबका जोड़ा मैंने बी और सी और डी का, कितना आया 75%। 75% क्या होता है 3/4, और औसत निकालना था, तो मतलब 3 है तो 3 का तो भाग वैसे ही देता, 3 से 3 कट जाता, सिर्फ 4 बचता, सीधा सीधा 4 का भाग दे दो, 6000 आंसर आ जाएगा। बहुत आसान तरीका बता रहा हूं यार, है ना। तो भुवनेश सर आपके सामने जुड़ने जा रहे हैं और थोड़ी देर में जुड़ेंगे, तो एक दो क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं इस पे। क्वेश्चन ये है कि ई का बी से कितना प्रतिशत कम पैसा लगा है ना, जल्दी आंसर दीजिए। चलिए आंसर दीजिए, ई का बी से कितना परसेंट कम पैसा लगा। ठीक है, और ये 24000 है ना, ये एक ही जीरो है, 24000 है ये, 240000 नहीं है, याद रखना। ठीक है, तो मैंने ये बोला ई का बी से कितना कम परसेंट लगा, कितना कम पैसा लगा, तो मैंने देखा ई का 15% है और बी का कितना है आपका 20 है ना, तो ई का बी से कितना 5% कम पैसा लगा है बस। तो 24000 का 5% निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा बहुत ही आसानी से। तो 24000 का 5% आप निकाल सकते हैं, जो 24000 में दो जीरो है तो इसका परसेंटेज ले गया, तो मैंने यहां से मल्टी 10/2 कर दिया, इसको लिख दिया 10/2, तो 2400/2 1200 आपका आंसर आ जाएगा, 1200। क्लियर हो रहा है, चीजें समझ में आ रही है, कुछ चीजें सीखने को भी मिल रही होंगी, क्वेश्चन कराऊंगा एक्सपेक्टेड, टेंशन ना ले। भुवनेश्वर आपके साथ जुड़ने जा रहे हैं और बखूबी आपने एंजॉय किया है, तो बिल्कुल चलिएगा भुवनेश्वर, आ जाइए, बच्चे आपका वेट लेगा। हेलो, कैसे हो, उम्मीद है कि आपका अभी तक पेपर हो चुका है तो बहुत अच्छा हुआ होगा, और अब होने वाला है अगर कल या परसों में तो भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हमने काफी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करी है, काफी कुछ अपन ने सीखा है, जाना है। तो अभी सेकंड शिफ्ट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन है जो कि आए हैं, तो वो देख लेते हैं कौन कौन से हैं, क्या क्या पूछे गए हैं। देखिए सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है जो कि अपन ने करे हैं या फिर अपन को मालूम है कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने अभी फर्स्ट शिफ्ट के अंदर ही आपको जीएसटी के स्लैब के बारे में बताया था, तो हाईएस्ट परसेंटेज जो है ना जीएसटी का, एक सवाल ये पूछा गया है, तो मैंने आपको फर्स्ट शिफ्ट में बताया था 0%, 5%, 12%, 18% और आखिरी कितना है 28%, तो मैक्सिमम कितना है 28% है, समझ गए, तो आंसर क्या हो जाएगा 28% हो जाएगा। एक सवाल पूछा गया आरबीआई के गवर्नर का, इतने सिंपल सिंपल से सवाल पूछे जा रहे हैं। अपन ने क्रैश कोर्स के अंदर कितने डेप्थ के अंदर करंट अफेयर पढ़ा है, ठीक है, अपन ने जब डिप्टी गवर्नर को तक नहीं छोड़ा था, डिप्टी गवर्नर भी अपने को पता है, महेश कुनंगो आचार्य जी, वो सब अपन ने पढ़े, तो आपको पता ही है उर्जित पटेल साहब है जो कि अभी गवर्नर है आरबीआई के। उसके अलावा एक सवाल पूछा गया गोवर्धन को लेकर, गोवर्धन जो योजना है ना ये कौन से राज्य के द्वारा इसकी शुरुआत करी गई थी, तो आपको याद होगा क्रैश कोर्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि एक राज्य है जो कि काऊ का यूरिन है या फिर जो अपना काऊ डग होता है उसको बेच रहा है मैन्योर के तौर पर, ठीक है, ताकि खाद अच्छी हो सके, तो ऐसा करने वाला कौन सा राज्य था, हरियाणा।
हरियाणा सरकार ने गोवर्धन योजना की शुरुआत करी थी, ठीक है, ये हमने पढ़ा था क्रैश कोर्स के अंदर। एक और सिंपल सा क्वेश्चन आया, हमारे नेवी के चीफ कौन है, नेवी स्टाफ के हमारे चीफ कौन है, तो कई बार अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है, सुनील लांबा जी, सुनील लांबा जी हमारे नेवी के चीफ है। और अगर मैं डिप्टी की बात करूं, अगर मैं डिप्टी की बात करूं तो कौन है, करमवीर जी है, करमवीर सिंह। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल सही बात कहा है, बच्चों का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। अभी देखिए कल और परसों जो आपके पेपर है ना, उसमें भी एक दो क्वेश्चन आपको रिपीट होते हुए मिलेंगे, ठीक है, बिल्कुल रिपीट होते हुए मिलेंगे आपको, बिल्कुल सही बात है। अब देखें अगला है, कैपिटल पूछा गया एक सवाल, कैपिटल कहां की, वेनेजुएला की, वेनेजुएला की कैपिटल पूछी गई, तो बड़ा सिंपल सा सवाल था, काराकास वहां की कैपिटल है, ठीक है, वेनेजुएला की कैपिटल कैपिटल पूछी गई थी, सिंपल सा सवाल था, आपको मालूम होगा अगर आप करंट अफेयर देखते हैं तो। एक सवाल क्लासिकल डांस को आया है, अब एक्चुअली में क्लासिकल डांस कौन सा वाला पूछा गया है ये तो नहीं बताया, लेकिन क्लासिकल डांस आया, आपको मालूम है कि कथक जो है, ठीक है, वो तो नॉर्थ इंडिया में परफॉर्म किया जाता है, कथक कली की बात करूं अगर मैं, कथक कली तो ये केरला में करते हैं, केरला में ऐसे ही मोहिनीअट्टम भी होता है एक डांस, वो भी केरला में होता है। भरतनाट्यम अगर आपसे पूछा जाए तो वो तमिलनाडु है, वैसे उड़ीसी होता है जो कि उड़ीसा में होता है, मणिपुरी सथिया जो है वो आसाम में होता है, ठीक है, मणिपुर में होता है। तो इस तरीके से क्लासिकल डांस तो आपको मालूम होंगे, ठीक है, कई बार पहले अपन पढ़ चुके हैं, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। अगला एक सवाल आया उड़ीसा के सीएम को लेकर, उड़ीसा के सीएम कौन है, तो 500 बार पढ़ चुके हैं यार, नवीन पटनायक उड़ीसा के सीएम है, कितनी बार जान चुके हैं, कितनी बार पढ़ चुके हैं, गणेशी लाल वहां पे गवर्नर बने हुए, अभी रिसेंटली गणेशी लाल बने, तो अपने को मालूम है, ये सब सिंपल सिंपल से सवाल है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। चलिए बच्चे केरला आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल सही है, चलते हैं आगे देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। एक सवाल बोला गया कि अटलांटिक ओशन को और पैसिफिक ओशन को कौन सा कैनाल जोड़ता है, अटलांटिक ओशन और पैसिफिक को कौन सा कैनाल जोड़ता है, तो आपको मालूम है ना पनामा का नाम सुना होगा ना आपने, पनामा कैनाल है, कितना है 83 किलोमीटर के समवेयर है, और 1914 में इसकी शुरुआत करी गई थी, ठीक है, वॉशिंगटन के वहां से, ठीक है, उस टाइम पे वो कोई उस टाइम पे 1914 के टाइम पे। चलिए तो ये भी आपको ध्यान रखना है, पेपर में आया सवाल वापस आ सकता है। एक और सिंपल सा सवाल आया, इसरो के चेयरमैन के बारे में बोला गया, इसरो के चेयरमैन जितनी अपनी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनके चेयरमैन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी ग्रुप डी और जब आपका आरपीएफ एग्जाम आएगा तब बताऊंगा मैं इस बारे में कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन के बारे में याद करना है, ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है। और माही गुजर बोल रही है मेरे 75 क्वेश्चन करे हैं मैंने, बहुत अच्छी बात है दोस्तों, अगर आप इतनी अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस कर रहे हो तो इसरो के चेयरमैन आपको मालूम है ना के सिवन जी है, के सिवन जी है इसरो के चेयरमैन। और अभी गगनयान अभी बोला भी है इन्होंने, आज ही सुबह स्टेटमेंट दिया था कल इन्होंने कि हम 2022 तक 21-22 तक क्या करेंगे, 22 के अंदर हम हमारे 3 लोगों को स्पेस के अंदर भेजेंगे, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आया था तो और फेमस हो जाता है। डीआरडीओ के नए चेयरमैन अपॉइंट करेंगे, रेड्डी जी है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है पेपर के लिए। और भी बहुत सारे हैं वो मैं बताऊंगा, हेडक्वार्टर तो आपको मालूम है इसरो का बैंगलोर के अंदर है, बिल्कुल सही बात है। एक आया सीईओ का क्वेश्चन, सुबह के टाइम पे डेल का पूछा गया, अभी कौन सा पूछा गया, एप्पल का पूछा गया, एप्पल का कौन है, टिम कुक है, ठीक है, तो ये सब तो मैं आपको कई बार बता भी चुका हूं। इसके अलावा एक सवाल बोला गया आपके स्वच्छ भारत मिशन को लेकर, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी, तो आपको मालूम है 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई थी, और 2 अक्टूबर 2019 यानी कि उस टाइम पे क्या है 150वीं जयंती है हमारे जो अपने, ठीक है, वो है अपने महात्मा गांधी जी हैं, तो 5 साल के अंदर टारगेट रखा था कि देश को क्या कर देंगे, साफ कर देंगे। और एक सवाल ये था, एक सवाल आया मैक्सिमम टाइम, पढ़ा था हमने करंट अफेयर के अंदर, अब जब अपन क्रैश कोर्स कर रहे थे, मैक्सिमम टाइम जो पॉली उमरीगर पुरस्कार है ना, पॉली उमरीगर जो पुरस्कार है वो कौन से प्लेयर को मिला है, पॉली उमरीगर अवार्ड के बारे में बात कर रहा हूं, तो मैंने आपको बताया था उस टाइम 3 बार किसको मिल चुका है, विराट कोहली को मिल चुका है, 3 बार पॉली उमरीगर जो पुरस्कार है वो विराट कोहली को मिल चुका है।
तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों जो कि मेरे पास आए थे और मैंने आपसे डिस्कस करे हैं। बिल्कुल सही है, गांधी जी की जयंती बिल्कुल सही है, 2 अक्टूबर बिल्कुल सही बात है, ठीक है, और बिल्कुल सही है। शुभम जी बोल रहे हैं कि मेरा 31 तारीख को पेपर है, इस वीक का करंट अफेयर आएगा क्या? नहीं आएगा, आप अगस्त का करंट अफेयर मत करो, अगस्त का करंट अफेयर जो 30 तारीख को कल और परसों जिनका पेपर है उनका नहीं आएगा, समझ गए, कल और परसों नहीं आएगा, कोई चिंता की बात नहीं। अभी आप पहले वाला करंट अफेयर करो जो आपको करवाया ना मैंने जुलाई तक, उतना करंट अफेयर कर लो, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। जुलाई का, अगस्त का मत करो, अगस्त का मैं ग्रुप डी आएगा ना जब एग्जाम 17 तारीख से, उससे पहले पहले मैं आपको करवा दूंगा ग्रुप डी के लिए अगस्त का जो करंट अफेयर है, ठीक है। तो ये सारे सवाल थे दोस्तों जो कि मुझसे मेरे पास आए हैं, बच्चों ने भेजे हैं, ओके। और एक जीएसटी का बेनिफिट का भी सवाल था कि मैक्सिमम जीएसटी बेनिफिट वाला स्टेट कौन सा है, तो आपको मालूम है कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, इन देश को, इन जो स्टेट है, देश नहीं मतलब स्टेट, कौन सा स्टेट है जिसको सबसे ज्यादा जीएसटी से बेनिफिट हुआ है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, इन राज्यों को जीएसटी से बहुत बेनिफिट हुआ है, समझ गए। एक सवाल ये भी आया था, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आए थे। अब चलते हैं अपन दिल्ली की तरफ, वहां पे आज जनरल साइंस और मैथ के जो क्वेश्चन है वो भी शुक्रा मैम और हितेश सर आपसे डिस्कस करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाई फाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं हितेश मिश्रा फिर से आपके साथ हूँ, सिप्रा मैम के साथ, एएलपी सेकंड शिफ्ट 29 अगस्त के एनालिसिस के साथ, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे आज कि क्या क्या क्वेश्चंस आए, क्या क्या पूछा गया है, जो हमने पढ़ाया क्या वही चीज आया कि उससे बाहर गए। तो पहले हम लोग शुरुआत करते हैं साइंस के साथ, मैम अपना कर लेंगी 5-10 मिनट में काम, उसके बाद फिर आपको रीजनिंग का बताएंगे क्या आया, क्या पूछा गया, क्या आपको करना चाहिए था। और अभी हमारे पास एक लड़का आया था उत्तराखंड से, उसकी भी कहानी आपको बताएंगे, आकाश सोनी उनका नाम था, और उन्होंने भी बहुत सारी बातें शेयर की, तो आपके साथ वो हम शेयर करेंगे। तो चलते हैं मैम के पास और कुछ क्वेश्चंस जीएस के देखते हैं, फिर रीजनिंग में चलेंगे। गुड आफ्टरनून एवरी वन, वेलकम टू वाई फाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। तो यहाँ पे हम वापस से आपका जीके के लिए बात, सबसे पहले जनरल साइंस के लिए बात करेंगे, आप मैथ्स का एनालिसिस और जीके का एनालिसिस देख ही चुके हो। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं, तो फिर से जो सुबह लाइन रिपीट की थी मैं उसी के साथ स्टार्ट करना चाहती हूँ। लेवल में किसी तरीके का कोई चेंज नहीं है, और ये डे वन में भी मैंने आपको बोल दिया था कि पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक किसी भी तरीके का लेवल में कोई चेंज नहीं आएगा। ये रूल होता है किसी भी एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने का कि अगर 25 दिन हो रहा है एग्ज़ाम तो लेवल जो है वो बदला नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन की। तो अगर पीरियोडिक टेबल से बात करेंगे तो सुबह आ चुका है मेंडली के कितने एलिमेंट्स थे और न्यूलैंड्स ऑक्टेव में कितने एलिमेंट्स थे। आज यहाँ पे जो इस शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए हैं आपके, वो बेसिकली क्वेश्चन आपको पूछा गया है, सबसे पहले WBC का दूसरा नाम पूछा है, RBC का नाम जो है वो सुबह पूछा था, WBC का अभी पूछा है। तो अगर सुबह का एनालिसिस किसी ने किया था तो शायद ये बेनिफिट पॉइंट होगा। तो WBC का जो नाम होता है उसको हम ल्यूकोसाइट करके टर्म करते हैं, सफ़ेद रुधिर कणिकाएं इसको बोला जाता है, और ल्यूको जो वर्ड है वो भी सफ़ेद से रिलेट करता है, और साइट जो है वो सेल के लिए बोला जाता है, कोशिका के लिए। तो WBC का दूसरा नाम। दूसरा आयरन जो है लोहा जो होता है उसका परमाणु क्रमांक पूछा है यहाँ पे, परमाणु संख्या जो है वो पूछी है कितनी होती है। तो आयरन की परमाणु संख्या जो है वो बतानी थी, तो 26 होती है यहाँ पे आयरन की परमाणु संख्या। और परमाणु द्रव्यमान की अगर हम बात करते हैं तो 55.85 या फिर लगभग 56 जो होता है वो उसकी परमाणु जो द्रव्यमान होती है वो होती है। तो संख्या पूछी गई थी, तो जो 26 वहाँ ऑप्शन में होगा वो आपको टिक करना था। अगला, अगर पहले पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो पहला एक क्वेश्चन यहाँ पे इस तरीके से आया था कि एटॉमिक नंबर 17 जो है, परमाणु संख्या 17 जो है वो कौन से ग्रुप और कौन से पीरियड में रहेगी आपकी। तो ऐसे क्वेश्चन जब हमने कल पीरियोडिक टेबल के कुछ क्वेश्चन किए थे क्लास में, तो ये वाला नहीं पर इसी तरीके के क्वेश्चन किए थे कि पीरियड नंबर ये है, या जब हमने बात की कि मेंडलीव या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 जो है वो ग्रुप होते हैं और 7 जो है वो पीरियड होते हैं, तो उसके हिसाब से एलिमेंट्स फाइंड करने थे। इसमें ये दिया हुआ है कि 17 जो है वो एटॉमिक नंबर है, परमाणु संख्या है, तो इसके हिसाब से उसका ग्रुप और पीरियड बताना था।
तो अगर हम 17 बात करते हैं तो ये 17 जो है ये एटॉमिक नंबर आपका पीरियड नंबर 2 में पड़ेगा, ठीक है, सेकंड पीरियड में ये पड़ेगा और पीरियड सेकंड, हाँ जी सेकंड पीरियड में पड़ेगा और ग्रुप जो होगा वो क्या होगा 17, और 17 जो ग्रुप होते हैं उनको हम हेलोजन ग्रुप भी बोलते हैं यहाँ पे, राइट। तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे ये आंसर करना था। पीरियोडिक टेबल से इस तरीके के क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में यहाँ पे पूछे गए हैं, तो उसके लिए ये याद रखिएगा आप 17 और सेकंड, राइट, पीरियड नंबर 2 के बाद यहाँ पे 17 की बात हो रही है। तो -40 डिग्री जो है ये टेम्परेचर पूछा हुआ है सेल्सियस और फेरानाइट जो है, सॉरी सेल्सियस और फेरानाइट के लिए पूछा है यहाँ पे कि ये, अच्छा पीरियड नंबर ये 3 आएगा आपका, 17 जो है वो पीरियड नंबर 3 आएगा, पीरियड नंबर 2 नहीं आएगा। पहला तो हाइड्रोजन हीलियम और दूसरा लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन और नियॉन, और सोडियम मैग्नीशियम से जो है वो तीसरा शुरू हो जाता है, तो पीरियड तीसरा आएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि O3 जो है वो किसका एलोट्रॉप है। -40 पूछा है कि सेल्सियस और फेरानाइट जो है वो कौन से टेम्परेचर पे एक ही हो जाता है, तो -40 जो है वो कॉमन टेम्परेचर है, तो ये यहाँ पे पूछा हुआ है। O3 जो है वो किसका बहुरूप है, किसका एलोट्रॉप है पूछा है, तो O3 जो है वो किसका ऑक्सीजन का एलोट्रॉप है ये यहाँ पे। O3 जो है हम ओजोन को बोलते हैं, ओजोन की जो परत है, तो उसके लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है। वेट ऑफ ह्यूमन ब्रेन जो है वो पूछा गया है, तो 1350 ये CC में आता है क्वेश्चन ये, राइट। तो 1250 और 1350 के आसपास जो वहाँ पे ऑप्शन दिया होगा वो बिल्कुल ठीक होगा। 1400 CC जो है नहीं लगाना है वहाँ पे आंसर, अगर क्वेश्चन में 1400 CC था, 1250 से 1350 के बीच में ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। फीमेल गैमिट्स आर प्रोड्यूस, जो यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से आया था कि फीमेल के जो गैमिट होते हैं वो कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, तो ओवरीज करके वहाँ पे एक ऑप्शन होगा आपको, ठीक है, अंडाशय जिसको हम बोलते हैं, तो ओवरीज ऑप्शन होगा जो यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला एक क्वेश्चन मेल और फीमेल के हार्मोन से रिलेट कर रहे हैं, जो पहली सुबह की आज क्लास में किया भी था, कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुछ फीमेल के और मेल के हार्मोन दिए हुए थे, उन चार में से ना मेल का कौन सा हार्मोन होगा ये बताना था। तो अगर उस क्वेश्चन में टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन जो भी दो ऑप्शन मेंशन होंगे, तो या तो टेस्टोस्टेरोन मेंशन होगा क्वेश्चन में पक्के से, नहीं तो एंड्रोजन जो है वो लिखा हुआ होगा, तो वो जो है वो उसका करेक्ट आंसर होगा। ब्लड का pH पूछा हुआ है यहाँ पे कि ब्लड का pH कितना होगा, तो 7.40 जो है वो स्टैंडर्ड है, बाकी इसके आसपास जो भी होगा 7.45 भी अगर मेंशन होगा तो वो भी सही होगा, तो 7.40 या 7.45 जो है वो करेक्ट होगा। मिरर का फॉर्मूला पूछा है, लेंस और मिरर का आपको पता है कि मिरर का जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो 1/V + 1/U इज इक्वल टू 1/F हो जाता है, तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे मिरर के फॉर्मूले से रिलेट कर रहा है। अच्छा एलिमेंट्स की अगर हम फिर से बात करते हैं, तो तत्वों के उनके सिंबल के हिसाब से मैच करने के लिए पूछा था, जिसमें से तीन ही किसी ने बता पाया है, जिसने भी ये क्वेश्चन लिखा है उन्होंने हमें कॉपर मरकरी और सिल्वर ये तीन बताए हैं, इसके अलावा एक चौथा कोई ऑप्शन भी होगा और उसमें ये जो सिंबल है ना उनको मैच करना था। तो इनमें से जो भी गलत होगा सिंबल उसके साथ जो है वो उसको उसी को आंसर को मार्क करना था। तो कॉपर का Cu, क्यूपरम जो होता है, मरकरी जो है वो Hg और सिल्वर आर्जेंटम जिसको बोलते हैं Ag जो है वो उसका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन आपके ये पूछा गया है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है वो बॉडी के पोस्चर और सोचने की बैलेंसिंग की जो क्षमता होता है उसको रेगुलेट करता है, तो उसमें सेरिबेलम एक आपका वहाँ पे ऑप्शन सेरिबेलम जो है वो दिया होगा, तो सेरिबेलम जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। सेरिबेलम जो है वो बैलेंसिंग करने के लिए, बॉडी का पोस्चर मेंटेन करने के लिए, बॉडी का पोस्चर मींस कि जैसे आप खड़े हो तो आप एक स्ट्रेट तरीके से खड़े हो, झुक नहीं रहे हो ना लेफ्ट और राइट की साइड में, तो जब हम ऐसे कुछ बोलते हैं तो उसके लिए हमारे मस्तिष्क का जो सेरिबेलम वाला भाग है वो इसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है, और ये सेरिबेलम जो है वो ब्रेन के मस्तिष्क के हिंड भाग जो है
सबसे पीछे वाला जो भाग होता है उसमें ये पाया जाता है, तो उससे यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है वो आपको पूछा गया है। बाकी के आप रीजनिंग के क्वेश्चंस करो और उसके बाद जो भी अभी जीएस के और भी आए होंगे तो उनको यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। चलिए ठीक है, तो देखते हैं रीजनिंग में जो है लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चंस पूछा गया है। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया है स्टूडेंट का भेजा हुआ है कि स्कूल कंसिस्ट्स ऑफ, एक स्कूल में क्या होता है, स्कूल कंसिस्ट्स ऑफ, मतलब एक स्कूल में क्या होता है। ऑप्शन दिया हुआ है यहां पे, ऑप्शन जो है इस प्रकार से हैं, लाइब्रेरी, हेडमास्टर, मास्टर और बिल्डिंग। तो लाइब्रेरी हो ना हो, हेडमास्टर हो ना हो, बेंच और टेबल हो ना हो, लेकिन मास्टर जो है टीचर जरूर होते हैं। तो आपका जो आंसर है एक ऐसा हुआ। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये पूछा गया है कि मिरर इमेज से क्वेश्चन है ना, जैसे एक सिंपल सा अगर क्वेश्चन देखें कि मान लीजिए अगर ऐसा हमने बनाया है ना, और इसका अगर हम देखें मिरर इमेज, तो ये कैसा हो जाएगा, फिर ये कुछ ऐसा हो जाएगा है ना मिरर इमेज में। इसके अलावा जो प्रश्न आया है एज बेस्ड क्वेश्चन आया है और वो मैंने करवाया है आपको। जैसे अगर हम अभी आपको बताएं ठीक है कि एक मिनट मैम, हाँ अगर हम आपको बताएं कि यहां पर मान के चलिए आपको एज बेस्ड क्वेश्चन में कि इफ राम्स एज विल बी 26 आफ्टर 3 ईयर देन है ना, ठीक है, आफ्टर 3 ईयर व्हाट इज हिज प्रेजेंट एज, सिंपल सा क्वेश्चन। तो अगर 3 साल बाद 26 का होगा तो अभी 23 का हो जाएगा, बेहद आसान ये प्रश्न है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस कुछ आए हैं एज बेस्ड पे, ये एक सिमिलर दिखा रहे हैं। इसके बाद की बात करें सिलॉक्स में, सिलॉक्स में आया है जैसे मान के चलिए कि कुछ कलम किताब है और सभी किताब मनी है, पैसा है। कंक्लूजन दिया हुआ है कि कुछ मनी पेन है, सम मनी इज पेन, तो आप क्या देख रहे हो, ये सही है भाई, सम मनी इज पेन। उसके बाद क्या दिया हुआ है कि यहां पर दिया हुआ है मान लीजिए नो मनी इज पेन, कोई मनी पेन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपका जो आंसर है वो पहले वाले के साथ चला गया। एक और सिलॉक्स का क्वेश्चन देख लीजिए, एक और जो है वो सिलॉक्स का क्वेश्चन देख लीजिए है ना, एक और सिलॉक्स का क्वेश्चन देख लीजिए। मान लीजिए अगर दिया हुआ कि कोई डस्टर है ना, कोई डस्टर बोर्ड नहीं है, कोई डस्टर जो है वो बोर्ड नहीं है। इसके बाद दे दिया गया, इसके बाद दे दिया गया मान लीजिए कि कुछ बोर्ड जो है वो रिंग है, और कंक्लूजन हमें दे दिया गया कि सम रिंग इज नॉट डस्टर, सम रिंग इज नॉट डस्टर। तो ध्यान देना यहां पर बोला जा रहा है कुछ रिंग डस्टर नहीं है, तो रिंग का जो पार्ट है यहां पर बोर्ड के साथ, तो ये वाला पार्ट तो डस्टर होगा नहीं, तो ये बात सही बोल रहा है वो। अगर ये लेकिन ऐसा बोल देगा कि नो रिंग इज डस्टर, नो रिंग इज डस्टर, तो यहां पर अगर हम देखें नो रिंग इज डस्टर गलत हो जाएगा। रीजन क्या है भैया, यहां पर रिंग और डस्टर में आपस में कोई संबंध नहीं है, लेकिन हो सकता है ना अगर रिंग बड़ा कर देंगे तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हम अगर देखें तो हमारा आंसर यहां पर पहले वाले के साथ ही जाएगा। चलिए कैलेंडर में जो प्रश्न आया है, वो कैलेंडर में आया है क्वेश्चन, मैं आपको बताता हूं कैलेंडर का जो क्वेश्चन है कि 15 अगस्त 1972 कौन सा दिन था। कैलेंडर का जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि 15 अगस्त 1972 को कौन सा दिन था, 15 अगस्त 1972 को कौन सा दिन था, यह पूछा गया भाई। तो देखो 15 अगस्त 1972 को पूछा गया है, तो 15 अगस्त का कोड कैसे निकालोगे, तो 0336146 2, तो यहां पर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो 2 हो गया इसका कोड है ना, तो 2 जो है यहां पकड़ लेते हैं भाई, 2 हमने पकड़ लिया। ईयर में 72 और ये लीप ईयर हो जाएगा 18, और इसको डिवाइड करेंगे 7 से, तो 8 2 10 2 12 5 17, बाकी बचा 1 1 1 2 और 7 9 1 10 डिवाइड बाय 7, तो रिमेनिंग 2 बच रहा है, और 2 का मतलब ट्यूसडे, मतलब मंगलवार था, समझिए फिर से। 15 अगस्त का कोड 2 लिया हमने,
ईयर का लास्ट दो डिजिट लिया और 18 इसमें लीप ईयर हुआ, डिवाइड 7 से किया बच्चा, तो यहां पर 107 को जब 7 से डिवाइड किए तो हम क्या देख रहे हैं कि 2 जो है यहां पर ट्यूसडे हो जाएगा, तो हमारा ट्यूसडे आंसर हो गया। इसके अलावा जो पूछा गया है वो हमें पूछा गया है इमेज बेस्ड, इसके अलावा पूछा गया है स्टेटमेंट बेस्ड। ये सब कुछ क्वेश्चन हमें एग्जाम में दिए गए हैं जो कि आपको बनाना था और आप इजीली बना सकते थे। ऑड वन आउट दिया हुआ है कि कौवा है ना, गौरैया, और इसके अलावा आपका है बंदर और बत्तख। बत्तख अंग्रेजी में कौवा होता है क्रो, ये होता है स्क्वायरल, ये होता है मंकी और ये होता है डक। तो यहां पर अगर हम देखें तो मंकी तो जानवर है भैया और बाकी सब क्या है, बर्ड है, पक्षी है, तो आपका आंसर यहां इसके साथ चला गया। ये विषम चुने, विषम चुने मतलब ऑड आउट वाला क्वेश्चन था ये। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, चीजें समझ में आ रही हैं? तो बेहद ये हैदराबाद जोन से आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो है हैदराबाद जोन से आया हुआ क्वेश्चन है, किसी स्टूडेंट ने भेजा है। चलिए, और आप लोग जो कहते हैं ना कि सर ये नहीं आया वो नहीं आया, कि स्टूडेंट अभी आया था वो उत्तराखंड से बेचारा एग्जाम देने आया था, काशीपुर कोई जगह है वहां से, उनका नाम था आकाश सोनी, वो बहुत देर तक मिला हम लोगों से और बहुत ही अच्छा लड़का, उसके पिताजी मजदूरी करते हैं, खुद वो कॉल सेंटर में काम करता है सुबह 9:30 से 6:30 बजे शाम तक और 4,000 रुपया वो पाता है, लेकिन वो मेहनत इतना कर रहा है कि बोला सर अब मुझे लगता है कि मैं वाईफाई स्टडी से पढ़ने के बाद कोई भी जगह पे एग्जाम दूंगा और नौकरी ले सकता हूं। भरोसा करिए, भरोसा पर ही दुनिया टिका हुआ है और हम लोग आपके लिए मेहनत करते हैं। ठीक है डिया, अब चलते हैं मैम के पास, शायद मैम के पास कुछ और 2-4 क्वेश्चन आया हुआ है जो आपके साथ वो डिस्कस करना चाहेंगी और वो आपके लिए लेके आ रही है क्वेश्चन, तो चलते हैं मैम के पास। मैम ये वाला मार्कर ले लीजिए। चलिए, यहाँ पे जी जनरल साइंस के एक दो क्वेश्चंस और डिस्कस करते हैं जो शायद आगे आने वाली शिफ्ट या कल के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो आज का एक क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे पूछा गया है, कैपिटल जी की जो वैल्यू है ना, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसको हम बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जिसको बोला जाता है, उसका आपको बताना था कि कैपिटल जी की वैल्यू किसने दी। ठीक है, तो जब हम ये जी की, ग्रेविटेशन की, मोशन की, इन सब की बात करते हैं ना, तो न्यूटन और यही साइंटिस्ट आपको याद आते हैं। तो कैपिटल जी जो है ना वो किसने दिया था, ये डिस्कवर किसने वैल्यू पूरी कैलकुलेट की थी 6.67 × 10⁻¹¹ वाली, तो ये याद रखना हेनरी कैवेंडिश साइंटिस्ट है, इन्होंने ये जी की जो वैल्यू है वो पूरी कैलकुलेट की थी। और शायद जिन बच्चों को, कई बच्चों को ये चीज़ पता भी होगी, हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन को भी डिस्कवर किया था, कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की जो थ्योरी थी उनको कुछ को एक्सप्लेन किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे मास्टर ऑफ सेल पूछा हुआ है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, माइटोकॉन्ड्रिया, तीन ऑप्शन आए हैं यहाँ पे। तो ये याद रखिएगा कि न्यूक्लियस जो हमने सुबह भी किया था ये क्वेश्चन, कंट्रोलर ऑफ द सेल इसको बोलते हैं, मास्टर ऑफ द सेल जो है वो इसको बोलते हैं। क्रिटिकल एंगल पूछा हुआ है यहाँ पे, क्रिटिकल एंगल डायमंड का क्रांतिक कोण जो है वो कितना होता है, हीरे का क्रांतिक कोण, तो 24.4 डिग्री जो है वो हम इसको बोलते हैं यहाँ पे, हीरे का जो क्रांतिक कोण होता है। साइड मिरर पूछा हुआ है कि गाड़ियों में जो साइड मिरर लगाए जाते हैं, रेयर व्यू जो लगाया जाता है, उसमें कौन सा मिरर जो है वो इस्तेमाल होता है, तो कन्वेक्स मिरर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। उत्तल दर्पण जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो फोकस होके वहाँ पे रहे लाइट, तो उसके लिए यहाँ पे ये क्वेश्चन सारे आपको यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पे दो न्यूमेरिकल आपको पूछे गए हैं, हाफ एमवी स्क्वायर जिसको हम गतिज ऊर्जा बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी जिसको बोला जाता है, हाफ एमवी स्क्वायर बोला जाता है, तो ये काइनेटिक एनर्जी पे दो न्यूमेरिकल आपको पूछे गए हैं आज में। मास और वेलोसिटी जो है वो इसमें मेंशन करी नहीं है, कंपैरिजन कुछ क्वेश्चन था, दो तरीके की वेलोसिटी दी है और यहाँ पे पूछा हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी अगर इक्वल है तो किसकी स्पीड जो है ना वो ज़्यादा होगी, ऐसे क्वेश्चन जो है वो आपको आ रहे हैं। स्टेटमेंट जो है वो सीधा सीधा फॉर्मूले के ऊपर आ रही है जहाँ पे ये सारा चीज़ जो है वो आपको बताना था। तो ये क्वेश्चन परमाणु नंबर 17 जो है वो कौन सा ग्रुप है ये पूछा हुआ है यहाँ पे, देखिए कौन सा ग्रुप पूछा है। ठीक है, तो 17 के लिए आपको ग्रुप पूछा है, पीरियड नहीं पूछा है यहाँ पे, जो कि पहले हमने यहाँ पे डिस्कस किया था।
लार में कौन सा एंजाइम होता है पूछा हुआ है, तो अगर वहाँ टाइलिन ऑप्शन में होगा ना वो टाइलिन टिक करना है, अगर आइसोजाइमेज होगा तो आइसोजाइमेज जो है वो टिक करना है, क्योंकि ऑप्शन नहीं आया है सिर्फ क्वेश्चन आया है, तो वी कैन ओनली प्रिडिक्ट की कि क्या होगा ऑप्शन उसमें, तो उसके हिसाब से यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। फोकल लेंथ पूछी है यहाँ पे, नहीं यहाँ पे क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि अगर कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ जो है F जो है वो 50 है तो पावर कितनी होगी बताना है, तो हमें सुबह भी ये फॉर्मूला डिस्कस किया था P इज इक्वल टू 1/F, तो 1/50 जो है हो जाएगी। सेंटीमीटर या मीटर में दियो वो ध्यान में रखिएगा आप, अगर सेंटीमीटर में दी होगी ना तो आपको इसको बदलना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो उसके लिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, अब कुछ भी जैसे लोग यहाँ पे लिख रहे हैं कि पेपर डिफिकल्ट था आज का, तो ऐसा कुछ नहीं है, लेवल में कोई चेंज नहीं आया है। सुबह अगर पी पावर का फॉर्मूला आपको पूछ लिया गया है, डायोप्टर हो सकता है कि थर्ड वाली शिफ्ट में इसकी यूनिट पूछ ली जाए, लेकिन आएगा ज़रूर वापस पावर से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो वापस आपको ज़रूर पूछा जाएगा, तो ध्यान में रखिएगा पावर जो है जिनका आगे रिवाइज करके जाइए। हाइड्रोक्लोरीन और वाटर की रिएक्शन पूछी है, अगर H2O जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो HCl ही बनाएगा, ये H+Cl-, तो ऐसा एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। बाकी पेपर जो है वो इजी है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं कि लेवल में किसी तरीके का कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो चलिए, तो ये जो था ये इस बार का क्वेश्चन आया था शिफ्ट 2 में, अब हम आपसे मिलेंगे 5 बजे शिफ्ट 3 के एनालिसिस के साथ, क्वेश्चंस के साथ, और उसको हम पढ़ाएंगे, बताएंगे किस प्रकार का क्वेश्चन आया है, क्या क्या पूछा गया है। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, खूब पढ़िए, तरक्की कीजिए, वहां आपका नाम रोशन करिए, और रात में एक बार वीडियो लेके आएंगे ऑल शिफ्ट के रीजनिंग क्वेश्चंस का। तब तक के लिए धन्यवाद, सी यू एट 5 PM, थैंक यू फॉर वॉचिंग।